आज के इस प्रोग्राम में शास्त्रीय संगीत और महाराष्ट्र का नाट्य संगीत, इनका आपस में क्या तालमेल है और शास्त्रीय संगीत से नाट्य संगीत किस प्रकार उभर आया है, इसके बारे में आपसे कुछ चंद बातें करूंगी। नाट्य संगीत ने संगीत के किसी भी प्रकार को दूर नहीं रखा है, हर प्रकार को अपने में समेट लिया है। इसीलिए पुराने जमाने के संगीतकारों ने ख्याल को लेकर ठुमरी, दादरा, लोक संगीत, भक्ति संगीत, भाव संगीत, टप्पा, तराना, इन सब शास्त्रीय और उपशास्त्रीय प्रकारों को इस नाट्य संगीत में इस प्रकार सजाया है कि मानो मिट्टी से खिलता हुआ मृदगंध है। आज के इस एपिसोड में मैं राग यमन में एक बंदिश सुनाने जा रही हूँ और उस बंदिश पर आधारित एक नाट्य संगीत भी सुनाने जा रही हूँ। ये नाट्य संगीत है नाटक स्वयंवर का, तो सुनिए राग यमन। राग यमन का आरोह और अवरोह इस प्रकार है।
सुनते हैं राग यमन पर आधारित एक फिल्मी गीत। फिल्म का नाम है अनपढ़ और शब्द है जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया। यमन पर आधारित ये गीत था फिल्म अनपढ़ से, आवाज थी लता मंगेशकर की। नाट्य गीत मंजरी श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी।